बरतानिया के शहर लोस्टर की डिप्टी शॉर्ट से पहली दफा तीन मुंतखब होने वाले कौंसलर्स चौधरी अरशद, कौंसलर शाहिद मुश्ताक, कौंसलर आयजा रशीद ने रजाकार और मुकामी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करने के लिए मुकामी हॉल में तकरीब का इनेकाद किया। मेयर रोस्टर आसिम रशीद की खसूसी शिरकत थी। मजीद अहवाल जानते हैं रोस्टर से अपने नुमाइंदे आरिफ चौधरी से। बरतानिया के शहर रोस्टर की डिप्टी शॉर्ट से पहली दफा तीन मुंतखब होने वाले कौंसलर चौधरी अरशद, कौंसलर शाहिद मुश्ताक, कौंसलर आयजा रशीद ने रजाकारों और मुकामी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करने के लिए मुकामी हॉल में तकरीब का इनेकाद किया। मेयर रोस्टर आसिम रशीद ने खसूसी शिरकत की। दूसरे शिरकत करने वाले में कारबाई शख्सिया चौधरी महमूद नंबरदार, मलिक जावेद, कौंसलर राना फैसल, कौंसलर इरम फैसल, डॉक्टर अब्दुल शकूर, चौधरी जफर, चौधरी एतजाज आसिम, जाहिद वर्ल्ड वाइड वाले शामिल थे। इस मौके पर मुमताज कारबाई शख्सियत चौधरी महमूद नंबरदार को मेयर आसिम रशीद ने खसूसी शील्ड दी, केक भी काटा गया। इस मौके पर मेजबान और डिप्टी शॉर्ट से पहली दफा मुंतखब होने वाले तीनों कौंसलर्स चौधरी अरशद, सरदार शाहिद और आयजा रशीद ने इलेक्शन मदद करने वाली कम्युनिटी के लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जिस तरह लोगों ने हमें मुंतखब करवाया, हम भी इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और हम कम्युनिटी के लोगों को 24 घंटे दस्तयाब हैं। रोस्टर की मुमताज कारबाई शख्सियत चौधरी महमूद नंबरदार का कहना था कि हम नौ मुंतखब कौंसलरान को दिल मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे, हमारा साथ इनके साथ हमेशा रहेगा। लेबर पार्टी पीपल्स पार्टी के सदर गुलाम रसूल शहजाद का कहना था कि ये अहम वार्ड है, नए मुंतखब कौंसलरान को चाहिए कि पुराने प्रोजेक्ट मुकम्मल करें और कम्युनिटी के लिए नए प्रोजेक्ट भी शुरू कर दें। कौंसलर शाहवजी ने कहा, रोस्टर मक्खी कम्युनिटी के लिए लेबर पार्टी ने बहुत काम किए हैं, इसलिए लेबर पार्टी की रोस्टर में अक्सरियत है। इस मौके पर मेयर रोस्टर आसिम रशीद ने कहा, खुशी है कि ये नए मुंतखब होने वाले तीनों कौंसलर्स जवान हैं और इनमें कुछ करने का जज्बा है और उम्मीद है कि ये कम्युनिटी की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। मेरे मिसिज रिफल रशीद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मैं सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने कौंसलर्स के लिए घरों से बाहर निकलकर वोट डाले। तकरीब में शिरकत करने वाले लाहौर खानों से लुत्फंदोज हुए। जितने भी उन्होंने हमारी सपोर्ट की इस दौरान कैंपेन के दौरान लीफलेटिंग की, डोर नॉकिंग की, उसका अल्लाह ताला ने बड़ा शुक्र हम करते हैं कि कामयाबी हमने वो ली, में जो मदद की और उनकी मैं इस शुक्रगुजार की वजह से आज एक थैंक यू पार्टी है जो वॉलंटियर्स ने इलेक्शन में हेल्प की। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कम्युनिटी वर्क है, इसी तरह हम लोग मिलकर काम करें और इन नौजवानों को जो है इस तरह हम आगे लेके आए ताकि ये हमारे कम्युनिटी का नाम भी रोशन करें और कम्युनिटी को सर्व भी करें। इस मुंतखब हुए हैं और आज हम जहाँ जिस वार्ड में खड़े हैं मिल्क से डीपीएस में, यहाँ से भी तीन काउंसलर लेबर के इलेक्ट हुए हैं और इंशाल्लाह ये कम्युनिटी के लिए भरपूर उनका काम करेंगे और आइंदा के लिए सारी आसानियां पैदा करेंगे। पोजीशन में आकर अपने इस इलाके को इम्प्रूव करें, यहाँ के मसाइल जो हैं उनको दूर करें। इलेक्शन हुआ उसकी विनिंग के सिलसिले में हमने लोगों को बुलाया ताकि उनका शुक्रिया अदा कर सकें जिन्होंने हमारी सपोर्ट की है, जो हमारे साथ काम करते रहे। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अलीगांव न्यूज़।